जीविका क्या कर रहे हो बेटा, चलो डिनर का वक्त हो गया। हाँ मैं मानवी को लेकर आती हूँ। ठीक है। मानवी मनु खाने का वक्त हो गया। मनु मनु उठना, खाने का वक्त हो गया है। मनु सो गई क्या? डॉक्टर को फोन कर। हेलो डॉक्टर चोपड़ा, मैं वीरेन बोल रहा को, जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, एक घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा। बस उन्हें बाहर का कुछ खाने को मत दीजिएगा। नहीं डॉक्टर, घर में होते हुए बाहर खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर मैंने मानवी को आज शाम एक आइसक्रीम दी थी, मुझे लगता है उसी की वजह से बुखार आया। एक्चुअली कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट काफी कमजोर हो जाता है और कैंसर पेशेंट को शाम के टाइम आइसक्रीम कभी नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो आप इनमें दे सकते हैं, और घर पे बना हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर, मेरी लापरवाही की वजह से मानवी की ये हालत है। अगर मैंने उसे आइसक्रीम नहीं दी होती तो उसकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ती। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। देयर इज एनीथिंग एल्स गिव मी अ कॉल। Thank you, Doctor. Take care. मेरी गलती कैसे नहीं है? मनु तो बच्ची तो जिद करती रहेगी, लेकिन मैं तो बड़ी हूं, मुझे समझना चाहिए था। मेरी गलती है। जाएगा, कुछ नहीं हुआ।
मामी तुम्हारी तबीयत कैसी? मनु, मनु कैसे फील हो रहा है? मामी तुम ठीक हो? घड़ी में तो अभी सिर्फ 11 बजे हैं, पर आप लोगों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हुए? आप लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा तो डी एंड डी होने चक्कर मानू, मैं ना खराब तबीयत में भी एक चाटा मारूंगी। तुझे अपने से कभी जुदा नहीं होने दूंगी मनु, कभी नहीं। कैसे होने दो दीदी, पैन कॉल कर जोड़े, टूटेगा थोड़ी ना। कैसी तबीयत है मानवी? मैं अभी अभी ठीक हूं मैं। थैंक गॉड, अब हम सब चैन से सो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मानवी कल का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। जीविका की शादी को 1 साल होने वाला है, कल इसके पुराने चूड़े उतरेंगे और ये नई चूड़ियां पहनेगी। कैसी बात कर रही हो जीविका? चूड़े की रस्म हम कल की बजाय बाद में करते, लेकिन शुभ मुहूर्त तो कल का निकला है ना, इसे हम आगे और नहीं बढ़ा सकते। हाँ जीविका, तुम डेट आगे बढ़ाने का क्यों सोच रही हो? देखो मानवी की तबीयत हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको उसकी फिक्र है। और जरा सोचो, अगर मानवी को पता चलेगा कि उसकी वजह से डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसे कैसा लगेगा? और अगर घर में फंक्शन होगा, हंसी मजाक का माहौल होगा, तो उसकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी ना। प्लीज डेट आगे मत बढ़ाओ। जीविका, हम जानते हैं कि तुम मानवी का ख्याल रखना चाहती हो, और इसीलिए तो हमने ये फंक्शन सिर्फ घर के लोगों के बीच रखा है, ताकि तुम्हें और मानवी को कोई स्ट्रेस ना पहुंचे। ठीक है बुआ जी, हम चूड़ा बदलने की रस्म कल ही करते हैं। गुड, और मानवी को लेकर तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हार गया। चलो बेटे चलो, कल आपका स्कूल है ना, चलो जाओ सो जाओ। बाय मानवी दी, गुड नाइट। गुड नाइट। सो मानवी, कैसा फील कर रहे? अच्छी हूँ जी। चलो अच्छा, तुम आराम कर लो, मुझे सुबह काम है, मैं भी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। जीविका, वो मैं जा रहा हूँ जी। ठीक है, मैं जाता हूं, तुम चाहो तो यहां सो सकती हो मानवी के पास। ठीक है।
ठीक है वीरेन जी, मैं यही सो जाती हूँ। दी, मैं तो शाम से इतना आराम कर चुकी हूँ, अब इतना सो चुकी हूँ, अब मुझे कहाँ रात को नींद आने वाली है। अभी तो मैं और भी नहीं जाऊंगी। ये क्या मतलब है कि तू पूरी रात नहीं सोएगी? तुझे पता है तू और बीमार पड़ जाएगी। रात की नींद कितनी जरूरी है तुझे पता है मनु? मानवी, मानवी मैं काम करता हूँ कि तुम्हें कुछ बुक्स दे देता हूँ। हाँ। रात में पढ़ती रहना, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। ठीक है जी। नहीं वीरेन जी, नहीं मनु, तू बुक्स कैसे पढ़ सकती? तेरी आंखों पे स्ट्रेस आएगा और सर दर्द भी हो जाएगा। नो रीडिंग, ओके? नहीं वीरेन जी। अरे विराट है ना, मेरे कहने का मतलब है कि विराट विराट है ना, विराट के पास एक लैपटॉप है। विराट एक काम कर, तू अपना लैपटॉप मानवी को दे दे, विराट सर्व करते रहना, सर्व करते करते नींद आ जाएगी, है ना? क्या बात कर रहे हो जीजू, विराट मुझे और अपना लैपटॉप दे दे, उसके सीक्रेट फोल्डर्स और फाइल्स मैंने पढ़ लिए तो, और सबके सामने उसकी पोल खोल दी तो। ये लो, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ लॉक नहीं किया, सब देख सकती हो तुम। नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू पार्टनर। पार्टनर यार, लाइफ पार्टनर। हाँ हाँ, तो आइडिया अच्छा है ये, अब सर्व करती रहना तुम पूरी रात। थैंक यू पार्टनर। अब आप दोनों भाई अपने अपने कमरे में जाके सो जाइए। ओके। हाँ, और हम दोनों बहनों को परेशान मत करो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट मानवी। गुड नाइट। चलो। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट। मनु, तू अब मेरे पास है, मेरी नजरों के सामने, इसीलिए मुझे तसल्ली हो रही। लेकिन अगर इस हालत में तू मुझसे दूर होती तो फिक्र के बारे में मर ही जाती। दी, लेकिन मनु, इस कैंसर से हम जीत के दिखाएंगे। ऑब्वियसली जीतेंगे दी, हारना तो हम दोनों की किस्मत में है ही नहीं। के किरदार में बहुत अच्छी लग रही अगर मेरी याद है तो। जी, आज रात अगर मैं
मानवी के पास हो जाओ तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। क्या बात है भाई, आप मेरा बैंड क्यों बजाते रहते हो? क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? पार्टनर या लाइफ पार्टनर? सब सुन रहा था मैं भाई। मानवी को मैं सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखता हूँ। विराट, कई तेरी फीलिंग्स मानवी के लिए इसलिए तो नहीं बदल गई क्योंकि अब तुझे पता है कि मानवी को कैंसर है। भाई एक बात बोलूं, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप लोग को मुझ पे भरोसा हो। और रही बात मानवी की, मानवी के असलियत जानने के बाद मेरी फीलिंग्स बैकफुट पे नहीं और फ्रंट फुट पे चली गई हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं, ये शादी वादी वगैरह वगैरह। मानवी को मैं सिर्फ ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे अपनी लाइफ के बारे में अब खुद सोचना होगा। अब तक भटक रहा था लेकिन अब मैं सीरियस होना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। अरे कल जब कोई मुझसे शादी करना चाहे तो इसलिए ना करे कि मैं एक बहुत बड़े खानदान का बेटा हूं। जी अपनी एक पहचान बनानी जो आसान नहीं। अरे मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरे लिए हाथ फैलाए खड़ी रहेगी, लेकिन देखो ना, मुझे अपने काम के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे। सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगा, उसके बाद जिंदगी बसाने के बारे में सोचूंगा। विराट, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तेरे में काफी बदलाव आ गया। अभी तुझे खुद एहसास हो रहा होगा कि तेरी जिंदगी में अब तक जो ब्रेक लगी थी ना, वो फाइनली हट गई। तू अपनी लाइफ को, अपने करियर को फाइनली सीरियसली ले रहा है। तू स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि तू कामयाब होगा। लेकिन विराट, तेरी भटकती जिंदगी जो ये पाथ पर आई है वो किसकी वजह से आई है तू जानता है? मानवी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब मानवी के प्यार की वजह से हो रहा है। और तू कहता है कि वो सिर्फ तेरी दोस्त है। देख मेरे भाई, प्यार किया तो डरना क्या। गुड नाइट। गुड नाइट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।